हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज हम पढ़ेंगे पजल का एक क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है हमारे एक यूट्यूब व्यूअर ने ही हमको भेजा है, उन्हीं की एक क्वेरी है। और इसी तरह का क्वेश्चन हमारा जो SBI PO का प्रीलिम्स हुआ था अभी, उसके अंदर भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन आया था। तो हम देखते हैं हम इसे कैसे फास्टली सॉल्व करना है और कैसे हम प्रोसीड करना है इसमें क्वेश्चन में। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सेवन पीपल नेमली आदर्श, भानु, चैतन्य, दीपाली एंड दीप्ति, चंद्रा एंड ग्रेस लाइक सेवन डिफरेंट स्पोर्ट्स नेमली हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, स्क्वैश, रेसलिंग एंड बॉक्सिंग। सात पीपल है, उनको सात अलग अलग गेम्स पसंद है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ईच पीपल ऑल्सो वर्क इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन बट एट अ डिफरेंट डिपार्टमेंट। सारे एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं लेकिन सबकी पोस्ट अलग अलग है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस नेमली ट्रेनिंग ऑफिसर, कोई ट्रेनिंग ऑफिसर है, कोई ऑफिसर है, कोई सीनियर ऑफिसर है, इस तरीके से पोस्ट दी हुई हैं, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। नोट, एक नोट भी दिया हुआ है क्या, ईच पर्सन हैज़ बीन अलोकेटेड टू ए डिपार्टमेंट एज पर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एक्सपीरियंस। मतलब उनको जितना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से उनको डिपार्टमेंट दिया गया है। एक्सपीरियंस विद द वन इन ट्रेनिंग ऑफिसर बींग द लीस्ट एक्सपीरियंस। मतलब जो ट्रेनिंग ऑफिसर जिसको डिपार्टमेंट दिया गया है वो क्या है, सबसे कम एक्सपीरियंस है उसके पास। वाइल्स द एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट जो है उसके पास क्या है, बीइंग द मोस्ट एक्सपीरियंस। मतलब देखो जो ऑर्डर में लिखे हुए हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखो ट्रेनिंग ऑफिसर ही लिखा हुआ है, इसको सबसे कम एक्सपीरियंस है, उसके बाद ऑफिसर उसको ट्रेनिंग ऑफिसर से ज़्यादा है, फिर सीनियर ऑफिसर है उसको ट्रेनिंग ऑफिसर ऑफिसर से ज़्यादा है, इस तरीके से लास्ट में आते आते हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखो एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट जिसको सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ठीक है, हमारे पास यही सबसे ज़्यादा इसके अंदर अच्छा पॉइंट है जो कि हमको हेल्प करेगा बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखो क्वेश्चन में ये इस तरीके से अब इसकी कंडीशंस बताई हुई हैं, हम देखो कैसे सॉल्व करना हमें वो देखते हैं। पहले आप क्या करेंगे, देखो इसके अंदर हमारे पास तीन चीज़ें हैं, क्या क्या है, नेम, कौन सा गेम खेल रहे हैं और उनका डिपार्टमेंट। हमें क्या करना है, तीनों चीज़ें लिख लेनी है। नेम यहाँ पर आपको लिखना है, गेम, और लास्ट में क्या है, डिपार्टमेंट। ठीक है, अब क्या करना है आपको, क्योंकि सात लोग हैं तो यहाँ पे सात बॉक्स बना लो आप, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, और ये हो गया हमारे पास सात। अब क्या करना है आपको, जहाँ पे आपने नेम लिखा है, जहाँ पे आपने नेम लिखा है, सॉरी सेकंड, जहाँ पे आपने नेम लिखा हुआ है उसको, उसके पास एक ऐसा और जहाँ पे आपने गेम लिखा है वहाँ पे भी सेम, ये आपको ही पता चलेगा कि हमने क्यों करा ऐसा। सबसे ईजीएस्ट वे सॉल्व करने का कोई भी पजल हो, ठीक है, आपने ये लिख लिया, ये बना लिया बॉक्स, ये आपको बहुत फटाफट से बनाना है बॉक्स। अब देखो आपको क्या करना है, डिपार्टमेंट में आपको पता है कि जो ट्रेनी ऑफिसर है वो सबसे कम एक्सपीरियंस वाला है, तो आपको लीस्ट एक्सपीरियंस से शुरू करना है। ट्रेनी ऑफिसर है, उसके बाद देखो ऑफिसर है, ठीक है, उसके बाद कौन है, सीनियर ऑफिसर, उसके लिए हम SO लिख लेंगे, प्रिंसिपल ऑफिसर के लिए हम PO लिख लेते हैं, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट के लिए AVP लिख लेते हैं हम, वाइस प्रेसिडेंट के लिए VP, और लास्ट में कौन है, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, ये कौन है सबसे लीस्ट एक्सपीरियंस, EVP कौन है सबसे हाई एक्सपीरियंस वाला डिपार्टमेंट। तो हमने क्या करा, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिपार्टमेंट हमने उनकी पोस्ट के हिसाब, डिपार्टमेंट के हिसाब से लिख लिया। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले TO ट्रेनिंग ऑफिसर सबसे कम एक्सपीरियंस, ऑफिसर उससे ज़्यादा, फिर SO उससे भी ज़्यादा, PO उससे ज़्यादा, AVP उससे ज़्यादा, VP उससे ज़्यादा, EVP सबसे ज़्यादा। इतना कर लिया आपने, अब आपको पढ़ना शुरू करना है क्या क्या आपको कंडीशन दे रखी है। अब देखो क्या लिखा है, पहला, ओनली वन पर्सन हैज़ लेस एक्सपीरियंस देन चंद्रा, खाली एक पर्सन ऐसा है, खाली एक पर्सन ऐसा है जिसे कम एक्सपीरियंस है किससे, चंद्रा से। अब आप सोचो, खाली एक पर्सन ऐसा है जिसको सबसे कम एक्सपीरियंस है चंद्रा से, मतलब आपको चंद्रा कहाँ आना चाहिए, चंद्रा आपका यहाँ आना चाहिए ना,
क्योंकि खाली एक पर्सन ऐसा है जो कि यहाँ बचा हुआ है, जो यहाँ वाला पर्सन होगा खाली उसी को ही चंद्रा से कम एक्सपीरियंस होगा, इसका मतलब चंद्रा का आना चाहिए ऑफिसर में। ठीक है, भानु डज नॉट वर्क एज असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, भानु वर्क नहीं करता एज एन असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट। तो जो आपने बॉक्स ये बनाया इसके अंदर वो क्या लिख लेना है यहाँ पे, भानु। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये हमारे पास बची हुई जगह हैं, ये वाली जो जगह बची हुई है इसके अंदर में क्या लिखना है, जो वो जो इस बॉक्स में नहीं आ सकता, जो इस बॉक्स में नहीं आ सकता वो हमें कहाँ लिखना है यहाँ पे, जो गेम नहीं खेल सकता वो हमें कहाँ लिखना है यहाँ पे। ठीक है ना, इस समय बहुत आसान हो जाएगा। अभी देखना कैसे, आपने लिख लिया भानु ऐसे असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट नहीं काम कर सकता, तो आपने भानु को यहाँ लिख दिया। इस बॉक्स में आप क्या लिखेंगे जो आपको कंफर्म हो चुका है, ग्रेस लाइक्स बॉक्सिंग एंड हैज मोर एक्सपीरियंस देन वन हु लाइक्स हॉकी। अभी हमें ग्रेस नहीं पता, ना बॉक्सिंग पता, ना हॉकी का पता, तो इसको छोड़ दो, आगे चलो। द वाइस प्रेसिडेंट लाइक्स स्क्वैश, वाइस प्रेसिडेंट जो है उसे क्या पसंद है, स्क्वैश। ये वाइस प्रेसिडेंट होगा, इन्हें क्या पसंद है, स्क्वैश। आगे, ओनली वन पर्सन हैज मोर एक्सपीरियंस देन आदर्श, खाली एक पर्सन ऐसा है जिसे आदर्श से ज्यादा एक्सपीरियंस है, इस बात को समझो। खाली एक पर्सन ऐसा है जिसे आदर्श से ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसका मतलब अगर आदर्श इधर आ जाता है तो खाली यही बचा पर्सन जिसे आदर्श से ज्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस किसको है, ईवीपी को, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट को, उससे कम किसे है, वीपी को। इसका मतलब आदर्श को वीपी होना पड़ेगा, क्योंकि खाली एक पर्सन ऐसा है जिसको उससे ज्यादा एक्सपीरियंस है, जो कि कौन है, ईवीपी। ठीक है, तो आदर्श यहाँ आ गया। नेक्स्ट पढ़ो, ओनली टू पीपल हैव मोर एक्सपीरियंस देन वन हु लाइक्स हॉकी, जिस पर्सन को हॉकी पसंद है उससे ज्यादा सिर्फ दो को ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो देखो क्या होना चाहिए, हॉकी यहाँ आना चाहिए ना, हॉकी आपका यहाँ आना चाहिए। क्यों, क्योंकि खाली दो पर्सन ऐसे हैं जिन्हें हॉकी से ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो कौन कौन हो गए, एक तो आदर्श हो गया और एक जो यहाँ पे होगा, मतलब एक वाइस प्रेसिडेंट और एक एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है जिन्हें हॉकी बंदे से ज्यादा एक्सपीरियंस है, जो हॉकी खेलता है उससे ज्यादा एक्सपीरियंस खाली दो को है। तो वो दो कौन कौन हो गए, एक तो वाइस प्रेसिडेंट और एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो। अच्छा देखो, हमने हॉकी को बैठा लिया, अब हॉकी से मिलता जुलता एक यहाँ पे था ना, देखो ये रहा, ग्रेस लाइक बॉक्सिंग एंड हैज मोर एक्सपीरियंस देन वन हु लाइक्स हॉकी। हॉकी से ज्यादा एक्सपीरियंस किसको है, ग्रेस को। अब देखो हॉकी वाला यहाँ आ चुका है, अब ग्रेस या तो इसमें आ सकता है या इसमें। अब यहाँ पे पहले से कौन है, आदर्श, इसका मतलब ग्रेस कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। और ग्रेस को क्या पसंद है, बॉक्सिंग। ठीक है ना, हमारा ये वाला भी हो गया। अब नेक्स्ट चलो, दीपाली हैज लेस एक्सपीरियंस देन पीओ, दीपाली के पास लेस एक्सपीरियंस है पीओ से, बट मोर एक्सपीरियंस देन द वन हु लाइक्स बैडमिंटन। अब देखो लिखा है दीपाली हैज लेस एक्सपीरियंस देन पीओ, हमें ना देखो यहाँ पे भी नहीं पता हमें पीओ कौन सा है, ये वाला। अब दीपाली या तो एसओ हो सकती है या टीओ हो सकती है, लेकिन एक देखो क्या चीज लिखी हुई है यहाँ पे, दीपाली हैज लेस एक्सपीरियंस देन पीओ। ठीक है, इसका मतलब या तो एसओ या टीओ, बट मोर एक्सपीरियंस देन वन हु लाइक्स बैडमिंटन। सपोज करो अगर मैं दीपाली को यहाँ बिठा देता, दीपाली को अगर मैं यहाँ बिठा देता, लेकिन इसमें क्या लिखा है, दीपाली हैज लेस एक्सपीरियंस देन पीओ बट मोर एक्सपीरियंस देन वन हु लाइक बैडमिंटन। इसका मतलब दीपाली से पहले कौन आना चाहिए था, बैडमिंटन वाला, बैडमिंटन से ज्यादा एक्सपीरियंस हो दीपाली के पास, लेकिन दीपाली से पहले तो कोई बचा ही नहीं अगर हम दीपाली को यहाँ बिठाएंगे। इसका मतलब ऑब्वियस क्या हो गया, दीपाली कहाँ आएगी, यहाँ पे। ठीक है ना, तो इस वाले को हम हटा देते हैं, दीपाली हमें पता चल गई कहाँ पे आएगी। ठीक है, दीपाली हमें पता चल गई यहाँ पे आएगी, बट मोर एक्सपीरियंस देन वन हु लाइक बैडमिंटन, मतलब या तो बैडमिंटन यहाँ पे आ सकता है या बैडमिंटन कहाँ सकता है, यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो बैडमिंटन, बैडमिंटन ऊपर, ताकि आप को पता चल जाए कि बैडमिंटन या तो यहाँ आ सकता है या आ सकता है। द वन हु हैज लेस एक्सपीरियंस देन चंद्रा लाइक्स टेनिस, चंद्रा से कम जिसे एक्सपीरियंस है उसे क्या पसंद है, टेनिस। चंद्रा से कम एक्सपीरियंस वाला कौन हो गया, फर्स्ट वाला, इसे क्या पसंद है, टेनिस। अब देखो टेनिस अगर इसे पसंद है और बैडमिंटन, अब इसे टेनिस पसंद हो बैडमिंटन पसंद नहीं हो सकता, तो बैडमिंटन किसे पसंद हो गया, इसको, चंद्रा को। ठीक है ना, अब नेक्स्ट पढ़ो, दीप्ति नीदर हैज द लीस्ट एक्सपीरियंस, ना तो दीप्ति यहां हो सकती है, लीस्ट एक्सपीरियंस भी नहीं है उसे,
नॉर शी वर्क एज एन असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, ना ही वो यहाँ हो सकती है। तो दीप्ति के लिए सिर्फ एक ही प्लेस बच गई है वाली। दीप्ति ना असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हो सकती है, ना ही तो सबसे कम एक्सपीरियंस हो सकता है। तो एक ही प्लेस बचा दीप्ति के लिए ये वाला, ठीक है। द वन हु लाइक्स क्रिकेट इज नॉट ए पीओ। द वन हु लाइक्स क्रिकेट इज नॉट ए पीओ, मतलब क्रिकेट वाला पीओ में नहीं आ सकता। तो क्रिकेट वाले के लिए एक ही प्लेस बचा, कौन सा ये? अब देखो हमारे पास दो प्लेस बचे हैं नाम के लिए। अब देखो हमें पता था यहाँ पे हमने लिखा है ना भानु, मतलब भानु यहाँ तो आएगा नहीं, तो भानु कहाँ जाएगा यहाँ। और लास्ट में कौन बचा हुआ यहाँ के लिए? आदर्श हो गया, भानु हो गया, चैतन्य। तो मतलब यहाँ कौन आ गया आपका? चैतन्य। गेम्स के अंदर देखो टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, क्रिकेट हो गया, क्या बचा हुआ है सिर्फ आपका? ये रेसलिंग। तो यहाँ क्या आ गया? रेसलिंग। तो मतलब आपके सारे नाम भरे गए, सारे गेम्स भरे गए, और पोस्ट तो पहले से मैंने भर दी थी। बस आपको ये याद रखना है कि जिस भी ऑर्डर में आपको दिया हुआ है, पोस्ट सबसे पहले जो दी हुई है, सबसे कम एक्सपीरियंस की जो दी हुई है वो सबसे पहले लिखनी है, और उसी रेशियो में फिर आपको आगे बढ़ते जाना है, और उस हिसाब से इनको आपको सेट करते जाना है। तो हमें ये मुश्किल से सॉल्व करने में 3 से 4 मिनट लगेंगे जब एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन हम देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। ऑल्सो वर्क्स इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन बट एट अ डिफरेंट डिपार्टमेंट। सारे एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं लेकिन सबकी पोस्ट अलग अलग है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, नेमली ट्रेनी ऑफिसर, कोई ट्रेनी ऑफिसर है, कोई ऑफिसर है, कोई सीनियर ऑफिसर है, इस तरीके से पोस्ट दी हुई हैं, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। नोट, एक नोट भी दिया हुआ है क्या? ईच पर्सन हैज़ बीन अलोकेटेड टू ए डिपार्टमेंट एज पर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एक्सपीरियंस। मतलब उनको जितना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से उनको डिपार्टमेंट दिया गया है। एक्सपीरियंस विद द वन इन ट्रेनी ऑफिसर बींग द लीस्ट एक्सपीरियंस, मतलब जो ट्रेनी ऑफिसर जिसको डिपार्टमेंट दिया गया है वो क्या है? सबसे कम एक्सपीरियंस है उसके पास। वाइल्स द एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट जो है उसके पास क्या है? बींग द मोस्ट एक्सपीरियंस। मतलब देखो जो ऑर्डर में लिखे हुए हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखो ट्रेनी ऑफिसर ही लिखा हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज हम पढ़ेंगे पजल का एक क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है हमारे एक यूट्यूब व्यूअर ने ही हमको भेजा है, उन्हीं की एक क्वेरी है। और इसी तरह का क्वेश्चन हमारा जो SBI PO का प्रीलिम्स हुआ था अभी, उसके अंदर भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन आया था। तो हम देखते हैं हमें इसे कैसे फास्टली सॉल्व करना है और कैसे हम प्रोसीड करना है इसमें क्वेश्चन में। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 7 पीपल नेमली आदर्श, भानु, चैतन्य, दीपाली एंड दीप्ति, चंद्रा एंड ग्रेस लाइक 7 डिफरेंट स्पोर्ट्स, नेमली हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, स्क्वैश, रेसलिंग एंड बॉक्सिंग। 7 पीपल है, उनको 7 अलग अलग गेम्स पसंद है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ईच पीपल ऑफ, या आपको पता चलेगा कि हमने क्यों करा ऐसा। सबसे इजीएस्ट वे सॉल्व करने का कोई भी पजल हो, ठीक है, आपने ये लिख लिया, ये बना लिया बॉक्स, ये आपको बहुत फटाफट से बनाना है बॉक्स। अब देखो आपको क्या करना है। डिपार्टमेंट में आपको पता है कि जो ट्रेनी ऑफिसर है वो सबसे कम एक्सपीरियंस वाला है, तो आपको लीस्ट एक्सपीरियंस से शुरू करना है। ट्रेनी ऑफिसर है, उसके बाद देखो ऑफिसर है, ठीक है, उसके बाद कौन है? सीनियर ऑफिसर, उसके लिए हम SO लिख लेंगे। प्रिंसिपल ऑफिसर के लिए हम PO लिख लेते हैं। असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट के लिए AVP लिख लेते हैं हम, वाइस प्रेसिडेंट के लिए VP, और लास्ट में कौन है? एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि 7 लोग हैं तो यहाँ पे 7 बॉक्स बना लो आप। 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया हमारे पास 7। अब क्या करना है आपको, जहाँ पे आपने नेम लिखा है, जहाँ पे आपने नेम लिखा हुआ है उसको, उसके पास एक ऐसा और जहाँ पे आपने गेम लिखा है वहाँ पे भी सेम, इसको सबसे कम एक्सपीरियंस है, उसके बाद ऑफिसर, उसको ट्रेनी ऑफिसर से ज़्यादा है, फिर सीनियर ऑफिसर है, उसको ट्रेनी ऑफिसर ऑफिसर से ज़्यादा है, इस तरीके से लास्ट में आते आते हमारे पास क्या है यहाँ पे देखो, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, जिसको सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है।
ठीक है, हमारे पास यही सबसे ज़्यादा इसके अंदर अच्छा पॉइंट है जो कि हमको हेल्प करेगा बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखो क्वेश्चन में ये इस तरीके से अब इसकी कंडीशंस बताई हुई हैं, हम देखो कैसे सॉल्व करना हमें वो देखते हैं। पहले आप क्या करेंगे, देखो इसके अंदर हमारे पास तीन चीज़ें हैं, क्या क्या है, नेम, कौन सा गेम खेल रहे हैं और उनका डिपार्टमेंट। हमें क्या करना है, तीनों चीज़ें लिख लेनी है। नेम यहाँ पे आपको लिखना है, गेम, और लास्ट में क्या है, डिपार्टमेंट। ठीक है, अब क्या करना है आपको,